ये चैलेंज होने वाला है कि हम चेक करने वाले हैं कौन सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है, ठीक है? मोमो जोसफ के पिताजी बोल रहे हैं। मैं ये जामा मस्जिद थाने से बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं सरनी में मैडम हूँ। वरुण बात कर रहा हूँ, NSP थाने से। हाँ जी, ऋषिता बजाज आपकी बेटी का नाम है? हाँ जी, क्या सीख दिया रखी है तुमने? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल, दिस इज रिशु। स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू चैलेंज वीडियो में। आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ अलग चीज सोच कर बैठे हैं। ठीक है, आज ना हम ना चैलेंज के अंदर जो हमारा पुराना रूल है 2.5 साल से प्रैंक, आज हम वो भी इसमें जो ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ये कैसे ऐड होने वाला है ये आपको रिशु बताएगी, तो बताओ क्या होने वाला है आज के मेरे दिमाग में ना बहुत तगड़ा कंटेंट आया। मुझे नहीं पता ये चैलेंज है या नहीं है, पर हाँ, हम दोनों के बीच में ये मुकाबला है। अब डिसाइड कौन करेगा कि विनर कौन है और लूजर कौन है, तो मैं पहले बता दूं, जो डिसाइड करोगे आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में ना मैं करूंगी जस्टिन की मम्मी को कॉल। ठीक है मम्मी, आप में से किसी को भी कर सकते हो, मतलब जिसका फोन लग गया, और जस्टिन करेगा मेरी मम्मी को कॉल। और हमें ना उन लोगों पे ना करना है प्रैंक, मतलब उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रीच हूँ या ये जस्टिन है। हम प्रैंक करेगा, वो माइंड में जो आएगा वही हम प्रैंक कर देंगे। पर अगर पता चल गया अभी किसी को भी कि भाई तुम रीशु बोल रही हो या तुम जस्टिन बोल रहे हो, तो वो माइंड पे लूजर हो जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक का कुछ सीन ही नहीं है। ठीक है, पर अगर नहीं पहचान पाए तो आप लोगों को ना कमेंट्स करने की कौन विनर है, आप लोगों को किसकी एक्टिंग देख के या किसकी बात करने के ढंग से आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, तो वो आप लोगों को मतलब विनर नीचे कमेंट करना, और जो आप लोगों की नज़र में लूजर है आपको उसका नाम कमेंट करना, और नाम के साथ पनिशमेंट भी कमेंट करनी है। ठीक है, और जिसकी सबसे ज़्यादा पनिशमेंट आएगी कि मतलब इस वाला में ये पनिशमेंट है, उनके सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी, वो पनिशमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो अभी बिना किसी टाइम वेस्ट के कॉल करते हैं। पहले मैं करूँ या तुम करो? पहले तुम कर लो। पहले मैं करती हूँ, मुझे लगता है ये शायद ना पकड़वा देगा मम्मी को। तो हमने एक फोन ले लिया है जिससे हम कॉल करने वाले हैं। ये अननोन फोन, मतलब हमारे घर में किसी का भी नंबर नहीं। तो सबसे पहले मैं करूँ, दूसरी सिम डाल रखी हमने। तो सबसे पहले मैं करती हूँ जस्टिन की बहन को ट्राई, मतलब मैं ऐसा करूंगी उनके ऊपर कुछ प्रैंक की, जैसे कि मैं जस्टिन की दूसरी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। ठीक है, तो पहले देखते कि कॉल उठा। भाई प्रैंक करना है, देखो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है गाइस, के देखते हैं भाई हम प्रैंक कर रहे हैं ना, 3-4 साल से मुझ पे प्रैंक करती है, मैं इसके ऊपर प्रैंक करता हूँ, है ना। तो आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कौन सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है। तो ये करने वाली है मेरी फैमिली में से किसी के ऊपर भी प्रैंक, अगर ये इसे पहचान लेते हैं मेरी फैमिली वाले तो भाई ये हार जाएगी। अभी मैं करने जा रही हूँ जस्टिन की मम्मी को कॉल, मतलब कि व्हाट्सएप कॉलिंग लगेगी उनको। तो यार मेरे को ना डाउट है, क्योंकि जस्टिन की मम्मी ना मेरे रग रग से वाकिफ है, अगर वो मुझे पहचान गई तो मेरा तो मन कर रहा है 1% पापा को कॉल करूँ, पर मम्मी को इसलिए करूँ शायद मम्मी का कॉल ना लगे। पकड़ो, मैं एक बार नंबर सेव करूँ पहले। पकड़ो एक बार गाइस, नंबर सेव कर लेते हैं, देखते हैं यार क्या होता है, क्या नंबर है। 81555। अगर आप लोगों को नंबर चाहिए तो कमेंट कर देना। तब रिशु कॉल करने वाली है, और भाई अगर ये पकड़ी गई तो ये हार जाएगी, इससे पनिशमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, जो कि आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है यार, पक्का रहा, तुमने इधर से डीपी वीपी सब हटा दी है ना। हाँ हाँ, पहले लड़की वाली आवाज में बात करूँ तुम्हारी मम्मी से, लड़की वाली देखो आवाज, हेलो आंटी वाली करूंगी, हंसना मत बिल्कुल कोई भी। ठीक है, भाई देख लो गाइस, मेरी गलती नहीं होगी गाइस, देख लेना यार। कॉल काट दिया पहले, और कॉल नहीं उठा रहे, ऐसा क्यों? कोई नहीं, इसके बाद लास्ट ट्राई और करेगा, नहीं उठा तो फिर पापा पे करेगा। यार पापा पे करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पापा तो जान निकाल देंगे इसकी। भाई जो भी होगा देख लो, एक लास्ट बार और ट्राई करते हैं, वरना फिर पापा को करते हैं, पापा काम पे होंगे वैसे भी, है ना। पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भाई ये नॉलेज, ये चैलेंज होने वाला है कि हम चेक करने वाले हैं कौन सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है। ठीक है, जो कि पब्लिक की उस पे। हाँ। तो कोई जस्टिन के मम्मी तो फोन नहीं उठा रहे, जब करते हैं पापा को कॉल, धड़कन बहुत तेज हो रही है पापा को कॉल। पापा का नंबर मैं डाल रहा हूँ, मुझे याद है पापा का नंबर, मम्मी का भी याद है, लेकिन तुम ऐड कर रही थी, मैंने कहा चलो यार पापा पे मेरे को पहचानना थे। पहले बताओ पापा से मैं पुलिस बन के बात करूंगी, पहले बताओ मैं लेडीज पुलिस बन के बात करूं या वो मुझे वाली? नहीं पता भाई, वो तुम्हारी है। ठीक है चलो यार, फिर ट्राई करते हैं ऐसे। हेलो, आप मोहम्मद यूसुफ के पिता बोल रहे हैं क्या? मैं अपना नाम क्या बोलूं, नाम मेरे को अपना नाम याद कर दो।
मैं शिल्पा शिंदे बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं एसीपी होता है ना, एसीपी शिल्पा शिंदे। चलो गाइस कमेंट करना बिल्कुल जो बिल्कुल आपको ठीक लगे। हेलो, हाँ मोहम्मद यूसुफ के पिताजी बोल रहे हैं? हेलो मोहम्मद यूसुफ के पिताजी बोल रहे हैं? मैं ये जामा मस्जिद थाने से बात कर रही हूँ। सॉरी मैं सरनी में मैडम हूँ। हाँ जी एक सेकंड मुझे नहीं पता भाई। चुप रजिस्टर में चेक करो क्या नाम है, कौन सी डेट है। हेलो हाँ ये पिछले महीने 16 तारीख को आपका लड़का कहाँ पे था, रात को 11:30 से 12:30 के बीच में कहाँ पे था आपका लड़का रात को 11:30 से 12:30 के बीच में पिछले महीने 16 तारीख को कहाँ पे था? सर मैं ये पूछ रही हूँ आपका लड़का कहाँ पे था 16 तारीख को। हाँ जी पिछले महीने रात को 16 तारीख को तो बच रही था ये। नहीं सर देखो सुनो बात कुछ ऐसी है, ये 16 तारीख को उस दिन जामा मस्जिद में बैनर लगे हुए थे, दो दोस्तों के साथ एक गाड़ी पे ये लड़का था और इसके दो दोस्त तोड़ थे, इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और ये बैनर तोड़ के पुलिस वालों से लड़ाई झगड़ा करके आगे एक गाड़ी के एक्सीडेंट करके भागे हैं ये लोग, किसी के हाथ में नहीं आए और नंबर इन्होंने सबके ब्लॉक कर दिए, किसी का नंबर नहीं उठा रहे। ये लड़का आपका जो इसके साथ के दो दोस्त है वो थाने में बैठे अपने माँ बाप के साथ, अब आप इसको लेकर आ रहे हैं थाने में अपने लड़के को, यहाँ मैं लोकेशन ट्रेस करके आपके घर में आऊँ। हाँ जी मैं बता रहा हूँ ऐसा है, 16 तारीख को आपको मतलब ये कंफर्म लगा हुआ है ये सुबह जामा मस्जिद पे था, मतलब जामा मस्जिद उसके पास मतलब ना गाड़ी है ना घोड़ा है कैसे? ये अपने मैं नहीं, मैं गाड़ी का नंबर भी बता देती हूँ, अपने दोस्त की गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ में था, ये गाड़ी नहीं चला रहा था, पर इसने हाथापाई खरी है पुलिस वाले से, वो दोनों लड़के और उनके माता पिता थाने में बैठे, आप आ रहे हो या हम आए सीधा घर पे, फिर हम लड़के को घर से पकड़ के लेके जाए, इसने ब्लॉक कर रखा, हमने आपका नंबर निकाला, क्या नाम है इसके पिता का? आपका नाम मोहम्मद रईस है? हाँ जी और माता का क्या नाम है? अफसाना मोहम्मद। हाँ जी तो बताइए अब आप आ रहे हैं अपने लड़के को जामा मस्जिद थाने में भेज रहे हैं या फिर हम घर से आके उठा के जाए आपके लड़के को? इतने बदतमीज है ये, जाके एक्सीडेंट करके पिछले एक महीने से इन्होंने गोल चक्कर बना रखा है पुलिस वालों से, कहाँ बच के भाग जाएंगे ये? मैडम फाइल ले लो, लो फाइल दो। हाँ जी बदतमीजी वाले बच्चे, ये हमारा बच्चा है नहीं, बदतमीजी वाली आप बात कर रही है। पर्स पर सर देखो देखो सुनो एक बार मेरी बात सुनोगे, एक्सीडेंट करा इसके लड़के ने ठीक है, बैरिकेड तोड़ के ये तीनों भागे और आपके लड़के ने पुलिस वाले से हाथापाई करी, वो भी एसीपी अभय सिंह पुलिस वाले से, अब वो यहाँ पे दोनों के दोनों लड़के बैठे उनके माता पिता बैठे, आपका लड़का फोन काटे जा रहे पिछले एक महीने से, हम सोच रहे शराफत करके आ जाएगा आके नहीं राजी हो रहा, अब बताओ हम आए लोकेशन ट्रेस करके आपके घर में या आ जाए, हमें आपके घर का एड्रेस भी पता है, अबे अबे मेरी गलती नहीं है गाइस, मेरे घर से भी कॉल आ रही है। चुप रहो ना, करो। हेलो हाँ जी सर, अब देखो हम आपको दे रहे 5 मिनट का टाइम, अपने लड़के को बोलो थाने आए और कॉल करे, कॉल उठाए सबसे पहले तो थाने आए, बस सिंपल सी बात है, खत्म। हाँ जी भाई आप जो टाइम दे रही है 5 मिनट पे, तो 5 मिनट में इतना बड़ा थाना हो या कुछ भी हो, 5 मिनट में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। आप पहुंचो मत 5 मिनट में, हम कह रहे हैं अपने लड़के को बोलो आए और पैसा पूरे 10,000 रुपए जमा करवा के जाएंगे, तब आपका लड़का छूटेगा, अब जो एक महीने से इसने खेल रखा है, 3 महीने के लिए जेल के अंदर डाला जाएगा, एक सबसे बड़ा क्राइम पुलिस ऑफिसर से मारपीट करी, एक एक्सीडेंट करा, बैरिकेड तोड़े, धारा 332 लगेगी आपके लड़के पे, देखो अब हम काट रहे फोन, अपने लड़के को फोन करो बोलो थाने पहुंचे। तो हाँ
अभी अपने लड़के को बोलो, सर अभी अपने लड़के को बोलो हमें करे कॉल, बस हमसे अब ज्यादा जवान वमान नहीं चलाइए, हम पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, ठीक है, बात खत्म, कॉल करो वरना मारे आपके घर पे, बात खत्म। चलो अभी पता चल जाएगा रिजल्ट, अब तो मेरी मम्मी को करो लो फटाफट। तो गाइस देखो मेरे फोन पे फोन ना आ जाए पापा का यार। गाइस कोई नहीं, हम इधर भी रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं, वीडियो तो देखो बहुत लंबी हो गई है, पर काट पीट के कैसे भी करेंगे, पर आप लोगों को इस वीडियो में मजा जरूर आएगा, गारंटी है इस बात की। तो मैं अपने फोन में भी रिकॉर्डिंग चालू कर देती हूँ। हेलो, हाँ जी सर, क्या बात हो रही है? हेलो हेलो, वरुण बात कर रहा हूँ NSP थाने से। हाँ जी, ऋषिता बजाज आपकी बेटी का नाम है? हाँ जी, क्या सीख दिया रखी है तुमने? क्या हुआ है ये आपको देखना चाहिए ना, आपका बच्चा सुबह से कहाँ निकला हुआ है आपको नहीं पता? हेलो, आप कहाँ से बात कर रहे हैं पहले आप बताइए, आप थाने में आइए, NSP थाने में। हाँ जी जी, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। पहचान गए फिर ना फिर। अरे कर रहा हूँ। अबे मम्मी को तकरीर करो। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी। बात करिएगा ये। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, थाने नहीं आया जरा आपसे, वहां बैठ के ज्यादा छोड़े हो रहे हो। हेलो, हाँ ये क्या नाम है? रिश्ता बजाज। ये माता जी क्या नाम है आपका? ईशा नाम है ना? फोन पे बोल ले जाने, बुलाओ ना थाने ही ने। थाने आ रहे नहीं आ रहे? 5 मिनट में अभी रुको, घर में तुम्हारे बेस्ट है पुलिस है, इतनी बिगड़ी लड़की पाल रखी है घर में, सिगरेट पीती है। हाँ आ रहे नहीं आ रहे? चलो ठीक है, तुम्हारे छोड़ बनती हम निकालते अब तुम्हारे वहीं आके शोरूम। कहाँ है शोरूम? माता जी का कहाँ शोरूम है? हाँ कीर्ति नगर से बोल रहे हैं ना? चलो ठीक है, फोन रखिए, आ रहे हम अभी 5 मिनट में। गाइस जस्टिन हारता है क्योंकि मेरी मम्मी पहचान चुकी है इसको, गारंटी। पहचानना थोड़ा हुआ है। चलो कोई नहीं, पर इसका मैंने साथ दिया है तो बताइए क्या करना। इनके पापा का भी कॉल आ रहा था, पापा से पूछो एक बार बस, लास्ट टाइम पापा का रिव्यू, मेरी माँ का कॉल आ गया। चलो चलो गाइस सुनो। हेलो हेलो, हाँ जी मम्मी, कहाँ पर है? मम्मी घर पर हुई है, जस्टिन के लोनी वाले शूट कर रही हूँ अभी ना, इसने रूपांश ने कराया लगता है किसी से फोन, ठीक है? हाँ क्या हुआ? कि NSP थाने से। अब बताइए तेरी हरकत है या रूपांश की है, जल्दी जल्दी बताइयो यार, जल्दी जल्दी बता दे। क्या हो गया रिशु? मम्मी वो कल शाम को गई थी NSP। अच्छा फिर? मम्मी वो पुलिस वाला सीन हो गया था, पर आपके आपको कैसे कॉल करी उन्होंने? बेवकूफ समझती है क्या मेरे को? आज के बाद ना सुन मेरी बात, हाँ। जितने की तुम्हारे ये जो प्रैंक जो हंसी मजाक है ना, ये आज के बाद ना मेरे को फोन मत करियो। क्यों मम्मी, क्या हुआ? सुन, ये जो आवाज दूसरों के नंबर से मेरे को फोन करवा रही है। मम्मी मैंने नहीं करा। फिर किसने करा? मम्मी मैंने नहीं करा, मुझे क्या बना? लुको, ओए कॉल करी क्या किसी ने? मम्मी बताओ ना क्या हुआ। हेलो, वो बता क्या हुआ? मम्मी कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता, बस वो कल पुलिस वालों ने 2 चाटे लगाए थे जस्टिन को, ले गए थे। अच्छा, पागल समझती है मेरे को तू? क्यों नहीं, तो सच में पागल समझने लग गई है क्या मेरे को? बहुत मजाक समझती है क्या चीजों को? क्या हुआ बताओ ना। नहीं तुम जितना ये मतलब कि तुमने मजाक को आम धंधे तो करते नहीं है, समझ गई मेरे को ना, तेरी बेवकूफ मत समझ, समझ गई?
दोबारा ना मेरे नंबर पे अगर ये ऐसे फालतू के प्रैंक ये सब करने की कोशिश करी ना, मुंह पर लपेड़ मार मार के ना सीधा कर दूंगी, समझ गई? अच्छा ठीक है मम्मी, सॉरी। किसने करा था? उससे बात करा? ठीक है लो बात करो। किसने बात करी थी कि उससे बात करा? करा रही हूँ। अरे कुछ नहीं बोलेगी, बात करना तो मेरे को मार पीट वाली है। अरे हेलो। हेलो नमस्ते मम्मी। किसने कर रहे हो यार, यही कह रही थी कि कॉल करो। हेलो। हाँ यही कह रही थी। हाँ मम्मी सुन मेरी बात। हाँ। क्या कह रही थी सबको ये फोन करो मम्मी। अच्छा मैं आपको घर आके मिलती हूँ। नहीं सुन सुन। हाँ। तो सही सुन मेरी बात। हाँ। तुझे अभी तक इस चीजों का बहुत मजा आता है ना, तुझे प्रैंक बहुत आते हैं ना करने, है ना? तुझे हाँ। जिसके नंबर से कॉल किया है ना, मैं आप तेरे ना सारी हेगड़ी तेरी सारे दांते अब निकालती हूँ, ठीक है? ओके मम्मा आई लव यू सॉरी। तुम लोगों ने उनके पूजा भाभी के साथ करे, तुमने अक्कू भाभी के साथ करे। अरे मम्मी वो वाला सीन नहीं है, मम्मी वो वाला सीन नहीं है। मैं और जस्टी नहीं कर रहे, मैंने इसके बाबा पे करा और इसने आप पे करा, और ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी बता देंगे, ठीक है? माँ बाप के ऊपर कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। मम्मी सॉरी सॉरी वैसी मत करो। गाइस मम्मी तो बहुत ज्यादा वो की वीडियो भी बहुत लंबी होगी, एक बार पापा की गाली और सुन लेते हैं बस, और फिर बस वीडियो फिर एंड कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला। अगर गाइस वीडियो में इसके पापा फोन नहीं उठाते मतलब कि फिर जैसिन का बहुत बड़ा अंत होएगा घर जाके। किसी काम में बिजी हूँ। अब क्या करे फिर बताओ भाई, वीडियो लंबी हो रही है। पापा फोन नहीं उठा रहे, बस एक बार और करो। जस्टिन को तो फोन करने में भी गाइस डर लग रहा है कि उसको पहली गाली तो ये सुनने को मिलेगी, काम धंधा है नी पूरी। हाँ पापा फोन कर रहे थे। हाँ फोन कर रहे थे। क्या हो गया? कहाँ तुम गए थे? कब? 16 तारीख को। कौन सी 16 तारीख को? 16 तारीख को कोई नियम का फोन आ रहा है, थाने से बता रही है वो। कौन से थाने? जामा मस्जिद थाने के बता रही है। मैं वहाँ से 5 मिनट में आ जाओ, हमसे 5 मिनट में भेजना, वो नहीं हो पाएगा 5 मिनट का, वो हम खाए बैठे हैं उड़ के आ जाएंगे। हो गई बात, मैंने वो पैसे ऐसे दे दिए वहाँ, कुछ हो गया था वो दोस्त वोस्त की कोई गाड़ी वाड़ी का कुछ था। पैसे ऐसे क्यों दिए थे? पैसे ऐसे की बात होती तो मुझसे बाहर 5 नंबर लेके खुद ही वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो तो 5 नंबर खुद ही है। और देखो फिर पापा को डराते हैं, ठीक है फिर मैं। हेलो हेलो। हाँ शिल्पा शिंदा बोल रही हूँ, तुम्हारे लड़के के साथ में हूँ। अब आ गए थाने से उठाने, अब आ गए थाने में हम तुम्हारे लड़के को लेके। ये तो झूठ बोल रहे है, पैसा वैसा जब तक माता पिता नहीं आएंगे तब तक नहीं छूटेगा। अभी बताओ ना बाप को, सच लगा डंडे इसके। तो थाने आ रहे नहीं आ रहे? ए लाओ डंडा लाओ, ले लो अंदर। यूट्यूब पे वीडियो बना के क्या दिखा रहा है? हाँ जी तो क्या बोल रहे हैं? झूठ पैसे लिए, पैसे लिए इससे माता पिता को ना बुलाया जा रहा। अरे मार इसको। मैं लगाओ डंडे। सर हाँ क्या क्या बताएंगे? पुलिस से बोल रहे हैं अपनी ड्यूटी में अपने लड़के को समझाओ, घर घर में मर रहे हैं लोग, वो ना कोई दिक्कत है। लगा डंडे इसके, लगे ना फोन काट। जब बाप का फोन, जब बाप आएगा थाने तब पे छोड़ेंगे लड़के को। सुनो हाँ जी, एक कदर तेरी बर्दी से है, बाकी आप इंसानियत के बात। हाँ मैं सर हमारी इंसानियत नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद रईस है, खाली रईस नाम चलता है, मोहम्मद रईस नाम से चलता है। आप जिस थाने में लिख रहा हूँ थाने में लिख लो, गांधीनगर में मैं काम कर रहा हूँ, संजय जैन के यहाँ, पता कर लीजिए संजय जैन का नंबर बताओ, नंबर ओके सर हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। सलाम वालेकुम, आपका बेटा आपके घर सही सलामत हम फोन चाह रहे हैं। हेलो सर माफ कर देंगे आप हमें? माफ मैं क्यों कर देंगे भाई, माफ तो आप हमें इतना दहशत में डाल दिया तो हम तो आप माफ की हम तो माफी करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी सर आप तो हमारे लिए भगवान है, बाकी आपके पर बहुत तगड़ा प्रैंक हुआ है तो चलो आप लोगों से हम घर आके मिलते हैं। पापा को क्या
उन्हें भाई ट्रस्ट नहीं हुआ। तो चलो गाइस कोई नहीं, जो भी हो वीडियो में ये बता देना एक्टिंग किसकी तगड़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, क्योंकि पता नहीं चलता भाई कि वीडियो लंबी हो गई अब किस तरीके से करेंगे। तो बस कमेंट करके बता देना कि कौन मेरा कौन लोदर, और पनिशमेंट एकदम तगड़ी बताना ठीक है। और हो सके तो मम्मी के पापा के साथ आएंगे, मेरी मम्मी के साथ मत बताना ठीक है, क्योंकि वो नहीं पॉसिबल हो पाएगी। जैसे मम्मी पापा के साथ बताना जो भी ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।